हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन एट योर होम। टुडे आई विल स्टार्ट योर पेज नंबर 152 ऑफ मैथ्स। आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का पेज नंबर 152 से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 152 पे आपका दिया है व्हाट प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन मनी। अब मनी का जो है हमको क्या करना है, व्हाट प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, पहला ये सॉल्व करके दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कैसे, यहाँ 20 आया तो देख लेते हैं। 4-5 रुपीज़ नोट, अगर आपके पास 4-5 रुपीज़ के नोट होंगे तो टोटल कितने आपके पैसा होंगे, कैसे कि टोटल आपके कितने पास रुपीज़ होंगे। तो फाइव के कितने नोट हैं आपके पास, 4, तो टोटल आपको कितना होगा, 5, 10, 15, 20, तो टोटल 20 रुपीज़ हो जाएंगे। एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इजीली तरीका है सबसे कि कितने 5 रुपीज़ का ना, तो रुपीज़ 5 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से। देखिए 4, 5 20, ये आपका इजीली से आ जाएगा 20 रुपीज़। तो क्या कर देना है, बस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकाल लेना है। उसी तरह एक और देख लेते हैं, 8-10 रुपीज़ नोट, अगर 8-10 रुपीज़ के नोट होंगे तो आपके पास कितने पैसे होंगे, तो कितने रुपीज़, तो पहले रुपीज़ लिख लीजिए, रुपीज़ 10 कितना, 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8-10 = 80 रुपीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ फिल कर दीजिए 80। हम ऐसे भी रुपीज़ का साइन लगा सकते हैं और ऐसे भी क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसी तरह ये भी है, ये सब है, आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ एक और देख लेते हैं, 600 रुपी नोट, अगर 100 रुपीज़ के आपके पास 6 नोट होंगे तो कितने होंगे टोटल। तो मान लीजिए 100 रुपीज़ के कितने नोट, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 × 6 = 600 रुपीज़, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ₹600। तो ऐसे आप लोग क्या कर लेंगे, फील कर लेंगे। अब पैसे आप देख लेते हैं, पैसा का अब कह रहा है कि 18 पैसा क्वाइन, अगर आपके पास 10 पैसे के 8 क्वाइन है तो कितना होगा, तो कितना 10 पैसे हो, कितने पैसा हो, कितना 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8×10 = 80 पैसा। तो देखिए यहाँ पे 80 पैसा क्या किया है, फिल किया है। उसी तरह आपको पैसे वाला निकालना होगा। अभी एक हम भी बता देते हैं आपको, 650 पैसे क्वाइन, अब 50, तो 50 पैसे के कितने क्वाइन, 6, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6×0 = 0, 6×5 = 30, तो 300 क्या हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे। तो इस तरह इसको फिल कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 2 रुपीज़ नोट विल यू गेट इन चेंज फॉर 10 रुपीज़। कह रहा है कि हाउ मेनी 2 रुपीज़ नोट, अगर आपके पास आपको 10 रुपये का क्या लेना है, चेंज लेना है, तो कितने 2 रुपीज़ के नोट आपको मिलेंगे। 10 रुपीज़ का अगर आपको चेंज लेना है तो कितने आपको 2 रुपीज़ के नोट मिलेंगे, तो कैसे निकाल पाएंगे। तो आप देखिए क्या करेंगे, ये 10 रुपीज़ में 2 रुपीज़ से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने आपको 2 रुपीज़ के क्वाइन, 2 रुपीज़ के नोट मिलेंगे। तो 2 से 10 को डिवाइड कीजिए, कितनी बार में जाएगा, तो 2 5 = 5, तो 5 आपको 2 रुपीज़ नोट क्या होंगे, मिलेंगे, जब इसको आप 10 रुपीज़ को एक्सचेंज करेंगे। तो आंसर में आप क्या लिख देंगे, 5 2 रुपी नोट,
₹2 के कितने नोट मिलेंगे आपको? 5 मिलेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी 10 रुपीज़ नोट विल यू गेट इन एक्सचेंज फॉर 100? वही कह रहा है कि 100 रुपीज़ को अगर आपको 10 रुपीज़ के नोट में एक्सचेंज करना हो तो कितना मिलेगा, कितने 10 रुपीज़ के नोट मिलेंगे? तो अभी आप क्या कर दीजिएगा, 100 रुपीज़ में 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो कितनी बार में आता है, 10 बार में, तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिसेस शर्मा गेव 5 10 रुपी नोट टू हर सन। अब मिसेस शर्मा जो हैं 10 रुपीज़ का कितना नोट देती हैं, 5 नोट अपने बेटे को देती हैं। हाउ मच मनी डिड सी गिव हर सन, उन्होंने अपने बेटे को कितने पैसे दिए? तो 10 10 का 5 नोट देंगे तो कितना होगा, तो 50 होगा। तो कैसे, तो क्या करेंगे, रुपीज़ 10 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 10 50, तो 50 रुपीज़ क्या होगा, वो देंगे। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, द कॉस्ट ऑफ 1 toy इज़, अगर एक टॉय का कॉस्ट 9 रुपीज़ है तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 such toy। तो इसी तरह 8 और टॉय होंगे तो कितने उसका कॉस्ट कितना होगा। तो जब एक प्राइस का कॉस्ट दिया हो, ज़्यादा प्राइस का पूछे तो मल्टीप्लाई हमेशा कर देते हैं। तो ₹9 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 9 72 रुपीज़ टोटल आपके 8 toys की हो जाएंगे। एक और देख लेते हैं ये लास्ट, द कॉस्ट ऑफ 5 mangoes इज़ ₹30। अब कह रहा है कि 5 mangoes का कॉस्ट कितना दिया है, 30 रुपीज़। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 mango, तो 1 mango। अब देखिए यहाँ ज़्यादा का दिया और एक का पूछा था, और यहाँ एक का दिया ज़्यादा का पूछा था, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जब ज़्यादा का दिया और एक का पूछे तो डिवाइड कर देते हैं। तो 30 को 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दिए। तो 30 रुपीज़ को 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 mango का कॉस्ट कितना होगा। तो कितनी बार में जाएगा, 5 6, तो 1 mango का कॉस्ट 6 रुपीज़ हो जाएगा। तो पेज नंबर 152 क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और जितने क्वेश्चन बताए उसको बस कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ये क्लास टेस्ट है, ये खुद से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जितना अभी तक पढ़े हैं मनी के उसी से सारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आप लोग क्या कर लेंगे, इसको पेज नंबर 153 को सॉल्व कर लेंगे। पेज नंबर 154 पे आपका दिया है मेजर्स ऑफ टाइम, टाइम को कैसे, समय को कैसे हम मेजर करते हैं। तो समय को मेजर करने के लिए हमें यूनिट की सहायता लेनी पड़ती है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम समय को मतलब टाइम को मेजर करते हैं, जैसे आवर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। तो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम इज़ आवर, क्या कहलाता है वो, हमारा आवर कहलाता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर मेजर बाई, लंबे समय को हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, डेज वीक मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। डे एंड वीक में क्या होता है, तो देखते हैं, ए पीरियड ऑफ 24 आवर स्टार्टिंग फ्रॉम 12 o'clock एट नाइट इज कॉल्ड ए डे। कह रहा है कि जो हमारा 24 आवर में क्या होते हैं, पूरे जब कंप्लीट होते हैं, कब से, रात के 12 बजे से लेकर, तो हमारा कितना दिन बनता है, एक दिन क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है। जब 24 आवर हमारे टोटल कंप्लीट होते हैं रात की 12 बजे से लेकर, तो हमारा 1 day क्या होता है, बनता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 day में कितने आवर होते हैं, तो 1 day में 24 आवर होते हैं, ठीक है। अब वीक का देख लीजिए, 7 days में के वीक, वीक किससे मिलकर बने हुए हैं, एक वीक में कितने डेज होते हैं हमारे, 7 days, तो 1 week इज इक्वल टू 7 days, जो हमारा वीक है 7 days से मिलकर बना होता है। तो अब कौन कौन से उसके नेम होते हैं वो भी देख लेते हैं, द नेम ऑफ द 7 days ऑफ द वीक इन ऑर्डर। पहला फर्स्ट हमारा हो गया संडे, सेकेंड मंडे, थर्ड ट्यूसडे, फोर्थ वेनसडे, फिफ्थ थर्सडे, सिक्स फ्राइडे और 7 सैटरडे। यही तो 7 days होते हैं, संडे से लेके सैटरडे तक, तो ये इनसे मिलकर ही क्या हमारा एक वीक
बनता है। तो हम वन वीक में कितने डेज होंगे, 7 डेज, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 7 डेज में कितने वीक होते हैं, तो 1 वीक होते हैं। फिर लिखा है इफ टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है तो टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, मतलब विल बी ट्यूसडे, तो मंडे के बाद जो आने वाला कल वो क्या होगा, ट्यूसडे होगा, क्योंकि मंडे के बाद ही क्या आता है, ट्यूसडे आता है। एंड स्टडे, स्टडे मतलब जो बीता हुआ कल है, जो बीत चुका है, स्टडे वाज, तो मंडे के पहले क्या आया था, संडे। ऐसे भी क्वेश्चन होंगे तो आपको करने होंगे। ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, जब 2 वीक कंप्लीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्टनाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्टनाइट। 1 फॉर्टनाइट में कितने वीक होंगे, जब वीक पूछा जाएगा तो 2 वीक, और कितने डेज होते हैं तो 14 डेज होते हैं। 1 फॉर्टनाइट में अगर ऐसे पूछा जाए कितने वीक होते हैं तो 2 वीक, अब वीक ना पूछ के पूछा जाए कि डेज कितने होते हैं तो कितने डेज होते हैं, 14 डेज होते हैं, ठीक है। अब मंथ और ईयर के बारे में देख लेते हैं। ए पीरियड ऑफ 30 डेज इज कॉल्ड, 30 डेज के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, 1 मंथ कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, तो 1 मंथ में हमारे कितने डेज होते हैं, 30 डेज। सिंपल से आपसे पूछा जाए कि 1 मंथ में आपके कितने डेज होते हैं, तो आप बताएंगे 30 डेज होते हैं, या 30 डेज में कितने मंथ होते हैं, तो 1 मंथ होते हैं। और ए पीरियड ऑफ 12 मंथ इज कॉल्ड ए ईयर, और 12 मंथ के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, 1 ईयर कहते हैं। कहते हैं ना कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो 1 ईयर में हमारे 12 मंथ्स होते हैं, या 12 मंथ में कितने ईयर होते हैं, तो 1 ईयर होते हैं। ए कैलेंडर ईयर आल्सो हैज 12 मंथ, जैसे हम जानते हैं कि जो कैलेंडर ईयर होता है उसमें कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। सम मंथ्स हैव 30 डेज, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं। सम मंथ्स हैव 31 डेज, और कुछ महीनों में 31 डेज होते हैं। एंड 1 मंथ इस कैलेंडर ईयर हैज़ इधर 28 डेज और 29, केवल एक ही ऐसा मंथ होता है जिसमें 28 या 29 डेज होता है, वो कौन सा होता है, फरवरी। अब मंथ और किस मंथ में कितने डेज होते हैं वो देख लेते हैं। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 डेज होते हैं, सितंबर 30 डेज होते हैं, अक्टूबर 31 डेज होते हैं, नवंबर 30 डेज होते हैं, और दिसंबर 31 डेज होते हैं। तो किस किस महीने में, ये आप लोग लर्न कर लेंगे। अब यहाँ रैम्स के अकॉर्डिंग देखिए, आपको लर्न करने के लिए भी दिया है कि 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, किस किस में 30 डेज होते हैं, तो देखिए रैम्स के माध्यम बताया सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, ऐसे जो डेज हैं उसमें कितने डेज होते हैं, 30 डेज। फरवरी हैज़ 28 अलॉन एंड ऑल द रेस्ट हैव 31, केवल फरवरी ही एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं, बाकी जितने बच गए उस सब में 31 डेज होते हैं। बट लीप ईयर कमिंग 1 इन 4 ईयर, लेकिन जब हमारा लीप ईयर आता है तो उस समय हमारा जो फरवरी है, फरवरी देन हैज़ 1 डे मोर, तो फरवरी में एक दिन और अधिक हो जाता है, तब फरवरी कितने का हो जाता है, 29 डेज का हो जाता है। आपके 156 पे अब 1 ईयर में पूछ देगा कितने डेज होते हैं, तो 365 डेज होते हैं, और ऐसे पूछे कि 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, तो 366 डेज होते हैं। इस सबको आपको क्या करना होगा, लर्न करना होगा, ठीक है ना, इसको लर्न कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आवर्स मेक 1 डे, कितने आवर मिलके एक दिन आपके बनाते हैं, तो अभी उधर बताए थे ना 24 आवर मिलके आपके 1 डेज बनते हैं। डैश डेज मेक 1 वीक, कितने डेज मिलके 1 वीक बनता है, तो 7 डेज मेक 1 वीक। ए ईयर हैज़ डैश डेज, अभी देखिए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, सिंपल जब पूछे 1 ईयर हैज़ डैश डेज, तो आप ये लिखेंगे, जब लीप ईयर पूछेगा तो ये लिखेंगे, तो सिंपल से पूछा है ए ईयर हैज़ डैश डेज, तो 365 डेज। द नंबर ऑफ डेज इन ए लीप ईयर इज, अब देखिए अब यहाँ पे आ गया है द नंबर ऑफ डेज लीप ईयर में कितने डेज, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज, तब ये लीप ईयर आ जाएगा, तो ये लिखेंगे 366 डेज। द मंथ ऑफ अगस्त हैज 10 डेज, अगस्त में
कितने डेज होते हैं? तो अगस्त में आपके कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। देयर आर डैश मंथ वन ईयर, पूरे एक साल में कितने मंथ होते हैं? तो अभी बताया था ना, 12 मंथ होते हैं। इन ए कैलेंडर ईयर डैश मंथ हैव 31 डेज, कितने ऐसे मंथ हैं जिसमें 31 डेज है? तो 7 ऐसे मंथ होते हैं जिसमें हमारे क्या होते हैं, 31 डेज होते हैं। इन ऑर्डिनरी ईयर फरवरी हैज डैश डे, मतलब साधारण जो ईयर होता है बिना लीप ईयर वाला, उसमें फरवरी कितने डेज का होता है? तो 28 डेज का होता है। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज, डे का फर्स्ट वीक आपका क्या होता है? तो उसको बताया था ना, संडे। द डैश इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, वीक का लास्ट डे तो सैटरडे। इफ टुडे इज फ्राइडे, अगर आज फ्राइडे है तो टुमारो विल बी सैटरडे। इफ टुडे इज वेनसडे, अगर आज वेनसडे है तो इसके पहले क्या होगा? तो ट्यूसडे होगा। स्टरडे वाज ट्यूसडे। तो यहाँ तक क्या कर लेंगे आप लोग, अपने कॉपी में और बुक में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।